सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। झांसी में मुलायम सिंह की स्मृति में बनेगा म्यूजियम, बुंदेलखंड से जुड़ी नेताजी की यादों को संजोया जाएगा। ब्लैकलिस्टेड भुवन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने नाम बदलकर किया कॉन्ट्रैक्ट। सांसद मेनका गांधी बोली, पैसा लेकर काम नहीं करना चाहिए, इसकी फितरत। साध्वी प्राची के IMIM प्रदेश अध्यक्ष पर पलटवार का, अली हो या खली चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। आगरा में शराब पीने पर टोका तो युवक की हत्या, ठेले से चाकू उठाकर सब्जी विक्रेता के सीने में मार दिया। फतेहपुर में नाबालिग से छेड़छाड़, विरोध पर की पिटाई, बचाने आए छोटे भाई को दांत से काटा, पुलिस ने दर्ज किया FIR। मऊ में घाघरा नदी का कहर जारी, ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने 225 परिवारों को बांटी राहत सामग्री, टूटे बांध को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। दो बुरका नशीले उड़ी सोने की अंगूठियों का डिब्बा, मुजफ्फरनगर में मयंक ज्वेलर्स शोरूम पर चोरी, CCTV में कैद हुई संदिग्ध महिलाएं। गाजियाबाद में छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या, तवे से सिर पर किया ताबड़तोड़ वार, शराब पीने को लेकर हुआ था विवाद। मुरादाबाद में सेवा द सर्विंग की नई पहल, अंडर प्रिविलेज बच्चों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन देगी संस्था, क्लासेस शुरू। बिजनौर में युवक ने खाया जहर, राहगीरों को पड़ा मिला बेहोश, गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर, जांच में जुटी पुलिस। उन्नाव में खतरे के निशान से 53 सेंटीमीटर दूर गंगा, निचले इलाकों के सैकड़ों मकान जलमग्न, प्राइवेट नावों से आवागमन कर रहे हैं लोग। औरैया में जलभराव से घरों में निकलना हुआ दुभर, बच्चे नहीं जा पा रहे स्कूल, शिकायत के बाद ही पालिका प्रशासन अनजान। अंतिम दौर में बरेली के मदरसों की जांच, अभी तक जांच में 130 से अधिक मदरसे मिले गैर मान्यता प्राप्त। रायबरेली में मुठभेड़ में 4 पशु तस्कर गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से घायल, मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी पुलिस। बागपत में ऑटो पार्ट्स संचालक से मारपीट, डटोल के मुख्य चौराहे पर 3 दबंगों ने पीटा, पीड़ित ने पुलिस से की शिकायत। बाराबंकी में 3 दोस्तों ने दोस्त की हत्या की, पार्टी के बहाने घर बुलाया, चाकू से गोद कर नदी में फेंका, 2 महीने पहले हुआ था विवाद। वाराणसी में आयुर्वेद अस्पताल की OPD बंद, इलाज बाधित BHU के सुरक्षाकर्मी और छात्रों में मारपीट। और औरैया में डाक वाहन में पीछे से घुसी वैगनार, पति पत्नी व बेटी की मौत, एक बेटा बेटी और चालक घायल। कानपुर में संक्रामक बीमारियों का कहर, मरीजों से हेलेट मेडिसिन, वार्ड फुल, रावतपुर में हर घर में मिला डेंगू का लार्वा। बागपत में त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट, मुख्य बाजारों और धार्मिक स्थलों के पास घूमने वालों से होगी पूछताछ।
प्रेमिका को पीटा, बहन को धमकी दी, मेरठ में शादी न करने पर दी हत्या की धमकी, पुलिस युवक की तलाश में जुटी। बदायूं में ट्रक की टक्कर से महिला की मौत, 20 किलोमीटर दौड़ाकर पकड़ा ट्रक, मासूम बाल बचा। मेरठ में ट्रेन से कटकर युवक की मौत, पत्नी से झगड़ा कर गया था, नशे की हालत में रेलवे लाइन पार करते समय हादसा हुआ। बांदा में सर्राफा व्यापारी से दिन दहाड़े लूट, 25,000 की नकदी और सोने चांदी ले गए जेवर, खुश पुलिस। गाजीपुर में ओपी राजभर का नीतीश कुमार पर हमला, बोली बिहार में फैलाई नफरत, इसलिए नीतीश फूलपुर से चुनाव लड़ने आ रहे हैं। अलीगढ़ में हापुड़ के सर्राफा व्यापारी से हुई लूट का खुलासा, 3 लुटेरे चढ़े पुलिस के हत्थे, लूटी गई 72 चूड़ियां भी बरामद। बुलंदशहर में हादसे का शिकार हुए रोडवेज बस, हादसे में पेट की परीक्षा देकर घर लौट रहे थे 3 परीक्षार्थी भी घायल। हरदोई पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 3 शातिर टप्पेबाज को 300 ग्राम डोडा पोस्ता के साथ किया गिरफ्तार। एएमयू में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन, वीसी पर लगाए तानाशाही के आरोप। हरदोई में दबंगों ने डॉक्टर के चैंबर में घुसकर स्वीपर से की मारपीट, मारपीट का वीडियो वायरल। अलीगढ़ में बस व कार में भीषण भिड़ंत, कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल, 2 घंटे लगा जाम। देवरिया में जलभराव प्रभावित लोगों को किया गया राहत सामग्री का वितरण, जिला प्रशासन व विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं ने किया। अलीगढ़ में दीपावली से पहले आतिशबाजों के खिलाफ प्रशासन सख्त, आतिशबाजी का अवैध गोदाम बनाने वाले युवक गिरफ्तार। गोरखपुर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान, आग लगने से कॉम्प्लेक्स में मचा हड़कंप। अलीगढ़ में पूर्व सपा नेता रूबीना खानम ने एआईएम पर कसा तंज, बोली ओवैसी बदुओं समेत एआईएम नेताओं को पाकिस्तान भिजवा दे सरकार। कानपुर में जूही थाना क्षेत्र के मिलिट्री कैंप से 3 बच्चे हुए लापता, पीड़ितों का रो रोकर बुरा हाल, मौके पर पहुंचे थे एसीपी व। अलीगढ़ में लूट के इरादे से घुस रहे 2 संदिग्धों को युवक ग्रामीणों ने पीटकर पुलिस को सौंपा, कब्जे की लोहे की रॉड बरामद। लखनऊ में धड़ल्ले से चल रही मोरंग मंडी, मोरंग मंडी पर नहीं हो रही कार्रवाई, मंडी के चलते आए दिन होती रहती है रोड जाम। मौसम के बदलते एलर्जी से लोग परेशान, ओपीडी पहुंचे सैकड़ों मरीज, आंखों में जलन और खुजली की हो रही शिकायत। रायबरेली में नहीं थमरा चोरों का आतंक, चोरों ने अधिवक्ता शिवम अवस्थी के मकान को बनाया निशाना। सीतापुर में बाढ़ ने मचाई तबाही, भुखमरी की गकार पर पहुंचे हजारों की संख्या में परिवार, प्रशासन राहत सामग्री से लोगों की आश। रामपुर में नाबालिग लड़की का अपहरण, पीड़ित दलित परिवार ने आरोपियों की गिरफ्तारी की लगाई गुहार।
हरदोई में प्रिंसिपल का तानाशाही फरमान, मेडिकल कॉलेज में किसी भी वाहन को सहित अंदर न आने के लिए परमिशन दी। कानपुर में रेलवे ट्रेन की बोगी से तेल चोरी का खुलासा। लखनऊ में बुखार के मरीजों से अस्पताल बेड फुल, डेंगू के मामले पर स्वास्थ्य विभाग ने दिए निर्देश, शुरू की जाएगी सेवा फीवर हेल्प डेस्क। प्रयागराज में अज्ञात युवक की सिरकटी शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप, मौके पर पहुंचा भारी पुलिस फोर्स। रायबरेली में शटरिंग में काम कर रहे युवक की दर्दनाक मौत, कोल्ड स्टोर की चौथी मंजिल में चल रहा था काम। लखनऊ में विभूति खंड गैंगरेप मामले में चौकी इंचार्ज पर कसा शिकंजा, डीसीपी पूर्वी ने लापरवाही बरतने के मामले में किया सस्पेंड। रायबरेली में स्कूल के इंजन में छिपा बैठा था अजगर, बाहर निकाले में छूट गए लोगों के पसीने। श्रावस्ती में एसपी के निर्देशन में चला अभियान, अभियान में गोवध करने वाले तीन वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। चित्रकूट में डीएम ने सुनी फरियादों की शिकायत, 25 में से सिर्फ 3 निस्तारण, समाधान के लिए 1 सप्ताह कल दिया अल्टीमेटम। फतेहपुर में एसपी की चौखट पर पहुंचा पति, पत्नी का धर्मांतरण कराकर भागा ले जाने का आरोप, बेटी और जेवरात भी ले गई साथ। महाराजगंज में पुलिस कर्मियों के तबादले, 24 उपनिरीक्षक इधर से उधर, सोनौली चौकी की कमान महिला इंस्पेक्टर को मिली। पहली बार अयोध्या के दीपोत्सव में होंगे शामिल, पीएम मोदी, गिरीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जलाए जाएंगे 15 लाख दिए। भारत मिलाप के बाद देवताओं ने किया नगर भ्रमण, मिर्जापुर में झांकी रही आकर्षण का केंद्र, जय श्री राम के जयकारों से गूंजा नगर। डिप्टी सीएम से मिले चंदौली के विश्वकर्मा समाज के लोग, परंपरागत कारीगरों को बढ़ावा देने और राजनीतिक भागीदारी का मुद्दा उठाया। रामपुर में अवैध व्यवस्था पर भड़की, गोंडा में वित्त लेखाधिकारी ने छोड़ा चार्ज, मानव संपदा पोर्टल पर डाटा अपलोड करने से खतरा कतरा रहे हैं लोग। मेडिकल कैंप, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अधिकारियों की मौजूदगी में ग्रामीणों ने कराया स्वास्थ्य परीक्षण। हमीरपुर में पत्नी से तंग आकर पति ने की खुदकुशी, बाथरूम से मिला शव, सुसाइड नोट बरामद, परिजन बोले कई दिनों से था तनाव में। संभल में 100 आंगनबाड़ी केंद्र होंगे हाईटेक, मिलेगी सभी सुविधाएं, डीएम बोले बच्चों को एक कक्षा में नहीं होगी परेशानी। अमरोहा एसपी ने 11 के तबादले किए, दरोगा शेर सिंह थापा को मच्छट्टा, एसआई सुभाष को सौंपे ब्रिजघाट चौकी की कमान। गौतम बुद्ध नगर में कार में लगी आग, चालक ने आग लगाकर बुझाई भीषण आग। छह
छेड़छाड़ का विरोध करने पर फायरिंग, तीन को गोली लगी। मुजफ्फरनगर में पीड़िता के घर पर चढ़ाई, दो घायल, हायर सेंटर रेफर। नीलगाय बचाने के चक्कर में नहर में गिरी कार, पीलीभीत में हादसा, सोनीपत से लेबर होने के खुटाए आए किसान। रामपुर के पौष इलाके में चार दिन से जलापूर्ति ठप, पंपिंग स्टेशन की दो मोटर हुई खराब, पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं मोहल्लेवासी। चित्रकूट यूपी क्षेत्र में अतिक्रमण पर गर्जा बुलडोजर, मध्य प्रदेश क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के नाम पर हो रही खानापूर्ति। उन्नाव में सड़क हादसे में महिला समेत दो घायल, टक्कर मार के बाद गड्ढे में पलटी कार, ड्राइविंग सीख रहा था युवक। अमेठी में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, किशोरी से छिटाकसी करने पर बवाल, देर रात को चले लाठी डंडे, आधा दर्जन से अधिक घायल। पैंतीस लाख के सोने के साथ फरार शातिर गिरफ्तार, वाराणसी पुलिस ने बरामद किया 752 ग्राम सोना, जांच अधिकारियों को मिलेगा इनाम। फिरोजाबाद में खाद्य विभाग टीम की छापेमारी, 16 कुंतल सरसों का तेल पकड़ा, जांच को भेजा सैंपल, मैनपुरी होने जा रही थी सप्लाई। कुशीनगर में खेत के बनामे के बाद किसान की हत्या, शराब में कीटनाशक मिलाकर पिलाया, जिला अस्पताल, इलाज के दौरान मौत। तीन दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंची डी पुरंदेश्वरी, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री करेंगे संगठन की बैठक, कार्यकर्ता में भरेंगी नया जोश। संभल में एआईएम प्रवक्ता शादाब ने भाजपा पर बोला हमला, कहा कि एक बार हमें पीएम बना दीजिए, फिर देखें कैसी होगी टॉयलेटिंग के लिए। पीलीभीत में बीच सड़क पर ड्रामा, ई रिक्शा और बाइक की हुई टक्कर, गुस्से में महिला ने ई रिक्शा चालक को चप्पलों से पीटा। फिलहाल के लिए 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं।